हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं अपने चाचा को आईफोन का लालच दूंगा और मेरे चाचा हरदम मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आज मैं अपने चाचा से क्वेश्चन पूछूंगा और उनको फंसाऊंगा। चाचा, ओ चाचा, कहाँ है आप? बोलो चाचा, आप भी आईफोन लेना चाहते हैं? आईफोन? हाँ। कौन हमें आईफोन देगा भाई? मैं दूंगा। आप दोगे? हाँ। कैसे कैसे आईफोन दोगे हमें? दो कहाँ है? पहले आप मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे तब। पक्का मिल जाएगा? हाँ, पक्का दूंगा चाचा। चलो तब यार, हम फटाफट जवाब दे देंगे। क्या समझ रहे हो, हम जवाब नहीं दे पाएंगे? आईफोन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, देखता हूँ अभी ना। चलो पूछो, क्या सवाल है आपका? दोस्तों देखिए, मेरे चाचा कह रहे हैं कि मैं तो आईफोन लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी बता सकता हूँ। तो क्या हम मुझे हल्का समझ रहे हो क्या? हाँ, अभी देख रहा हूँ ना। ये हमें हल्का समझ रहे हैं, हैं? इनसे हमेशा हम पूछते हैं तो क्या इसका मतलब हमें नहीं आता है? चलो देखो अभी कैसे बताता हूँ मैं। पूछो। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ गया। चलिए आ गया। हाँ। पूछो। किस देश को सांप का देश कहा जाता है? ब्राजील। सही है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला वाला तो बता दिया मेरे चाचा, आसान प्रश्न था दोस्तों। हाँ, आसान था ना। ठीक है, पूछो, कठिन वाला पूछो। सुनिए चाचा। बोलो। वह कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए दोबारा नहीं जगता? अरे यार, इतनी हल्का हल्का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये देख लो, जो क्या ये क्या है, देखो ये छोटी छोटी क्या रेंग रहे हैं, देखो। हाँ, ये तो सही है ना। ये चीटी। हाँ, चीटी है वो। अपना शरीर खा सकता है भूख लगने पे, ऐसे खा जाता है क्या वो? हाँ? चूहा। ओ, सही है चाचा, अभी रुके रहिए ना। हाँ तो रुके हैं। कठिन प्रश्न आएगा यार, तुम पूछो शिवांश। आईफोन इनको देना पड़ेगा। ये जो इनका मैं लेके आया हूँ ना, देखे हो ना, आईफोन 16 प्रो मैक्स अभी लेके आया हूँ। अगले वीडियो में आप लोग देखे थे, वो लेके आया हूँ। वो वाला मैं ले लूंगा अगर नहीं दोगे तो। हाँ। कौन सा नदी अपना रंग बदलती रहती है? कौन सा नदी अपना रंग बदलती रहती है? देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए। यमुना? नहीं, गलत है। गंगा नदी? गंगा नदी भी नहीं है। साबरमती? साबरमती नहीं है चाचा, कठिन प्रश्न आ गया दोस्तों। तो अब आईफोन नहीं मिलेगा मुझे? मिलेगा चाचा। अच्छा, जाने दीजिए, इसको मत बताइए, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अरे तो जब हमें नहीं पता है तो उन लोग से पूछो ना, वो अभी हमारा मजाक बनाएंगे, सब लोग जितने देख रहे हैं तुम्हारे दोस्तों लोग। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे फिर से ये क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, मेरे चाचा तो बता नहीं पाए। हाँ, हमसे अगर पूछ रहे हो, हम नहीं बता पा रहे तो इन लोगों से भी पूछो जितने लोग देख रहे हैं। हाँ, हम मजाक बनाएंगे भी हमारा। कौन सा नदी अपना रंग बदलती रहती है? फिर से सुन ली? नहीं, कितनी बार सुनाओगे यार, दूसरा पूछो। एक बार में हमसे पूछे हो, अपने दोस्तों को दो दो बार सुना रहे हो। हाँ, चीटिंग कर रहे हैं ये, सबको एक बार सुनाओ। चांद पर पानी की खोज किस देश ने की थी? चांद पर पानी की खोज किस देश ने की थी? भारत। सही है। हाँ। ये हल्के में हमें समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो मजाक बना रहे हैं। शैम्पू का आविष्कार किस देश ने किया था? कौन सा शैम्पू का? ब्राजील।
गलत है। चीन गलत है चाचा। अच्छा फिर से दोस्तों से पूछ लूं? हाँ तो पूछ लो, उनसे भी पूछो जो हम नहीं बता पाएंगे, अपने दोस्तों से भी पूछो, हिसाब बराबर। दोस्तों सुन लीजिए क्वेश्चन, शैम्पो का आविष्कार किस देश ने किया था? आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मेरे चाचा दो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए और मजे क्वेश्चन का जवाब दिया है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं अभी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। ठीक है, हीरे की खोज किसने की थी, किस देश ने की थी? क्या क्या क्या? हीरे की खोज किस देश ने की थी? अरे यार इतना सरल क्वेश्चन मत पूछा करो, हम बहुत दिमागदार आदमी हैं। बताइए ना। बता दे। बता दे। ठीक है बताइए। भारत। सही। हल्के में समझ रहे हैं। पूछो अगला क्वेश्चन। आईफोन तो लेकर ही मानेंगे हम। फलों का उद्यान कहलाता है? पैजोलाजी ना, पैमोलाजी, पामोलाजी। हाँ सही है। देखो बता दिया, ताली बजा दीजिएगा हमारे लिए भी। हाँ अगला क्वेश्चन। भारतीय कागज नोट, सॉरी भारतीय कागज नोट किस चीज से बना होता है? बता दे। हाँ बताइए। कपास। सही। आप लोग बताइएगा, अगर हम गलत बता रहे हैं आंसर तो आप लोग जरूर बताइएगा। और वैसे हमेशा जो है कि हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आज ही हमसे पूछ रहे हैं और देख लीजिए कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछिए आप। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर? टोक्यो। हाँ ये भी सही है। मनुष्य का सबसे मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा सही है चाचा। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। सही। भारत में सबसे अधिक अनाज की खेती होती है? चावल। सही है। अरे यार हल्का समझ रहे हो, हमें भी जानकारी है जनरल नॉलेज की, समझ गए। अगर हमें परीक्षा देना होगा तो हम पास कर लेंगे आईएएस पीसीएस। अच्छा चाचा अभी सारा जो पढ़ाई किया निकल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन इतना इतना हार्ड है ना, बता नहीं पाएंगे। तो पूछो, हार्ड क्वेश्चन बताने में मजा आता है हमें। सौर्य मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किस देश ने की थी? नहीं किसने की थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नहीं, चीन। अरे देश नहीं पूछा चाचा हम लोग, हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ। हाँ उनसे भी पूछिए जब अगर हम नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों सुनिए क्वेश्चन मेरा, सौर्य मंडल की खोज किसने की थी, किस देश ने नहीं की थी, किसने की थी? हाँ ठीक है, किसने की थी बताइएगा। और आज ये भैया गुरुजी हो गए हैं, मास्टर ये पूछ रहे हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बता दे, रहने दे। बताइए ना, अगर आपके अंदर दम हो तो। दम? हाँ ये हमारी बॉडी देख रहे हैं। हाँ देख तो रहा हूँ। 3 किलो वाला है। अच्छा 3 किलो वाला है, बताइए इसका उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है दोस्तों। अब
अब आईफोन दीजिए हमें। हाँ, अभी चलूंगा ना, गाड़ी लेकर चलिए तुम। हाँ, गाड़ी लेके चलिए। ये अपना तो ले लिए, हम तो वैसे चल रहे हैं भैया, पुराना मोबाइल हमारा है। अच्छा, अभी दवा देंगे ना शाम को। हाँ, ये दवा देंगे। पैसा कितना रखे है पूछ लीजिए इनसे, कितना पैसा रखे है? 2 लाख रुपया। हाँ, 2 लाख रुपये रखे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहा हूँ। किसमें रखे है 2 लाख रुपये? ओ, मेरी मम्मी रखी है। अच्छा अच्छा, कौन कौन सा नोट रखी है तुम्हारी मम्मी, बता दो सबको। 100 का। हाँ? 200 का। हाँ? 500 का। हाँ? 20 का। हाँ? 10 का। हाँ? और इतना सिक्का धरे है, यानी चिल्लर। अच्छा, वो पैसा कहाँ से आया था सब? वो सब? हाँ? वो पापा मेरे जो सिलाई बनाते हैं ना, उसी से पैसा मिलता है। हाँ? तो वही देते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारे पापा कमा के सब दिए हैं ना? देते हैं। बढ़िया है, चलो। तो उसमें से पैसा मत खर्चा करिए हमारे लिए आईफोन लेने के लिए। अगर आईफोन लेना होगा तो हम मेहनत करेंगे खुद, और जितने लोग देख रहे हैं उनके बीच में जाकर मेहनत करूंगा, और जो अंदर अपने अंदर टैलेंट है उसको दिखाऊंगा, और आपका सहयोग रहेगा और हमारा आपके साथ में सहयोग रहेगा, हम दोनों मिल करके काम करेंगे। हाँ। और एक नहीं, दो दो तीन तीन आईफोन आएगा, बस मेहनत करोगे तब। और आईफोन छोड़िए, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। और दूसरी चीज की, ये आईफोन आज है ना, कल बहुत आईफोन हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि घर में 4-5 आईफोन रहेंगे और कोई चलाएगा नहीं। और पहली बात तो मोबाइल से दूर होने के लिए लोग दवा खाएंगे, कुछ पल के लिए दूर हो जाए, क्योंकि इसका नशा जो है ना, लोगों को पता नहीं होता है कि कैसा नशा होता है। लेकिन अगर जिस दिन वो सोचेंगे कि इसका नशा अलग है, हर चीज से जो नशा है, हर चीज का, उससे अलग इसका नशा है। आप बैठोगे उठोगे बस चलाने लगोगे। तो कहीं ना कहीं जो जनरेशन अभी आ रहा है, ये बस भैया सोशल मीडिया पे रहने वाले हैं, उससे टाइम बिताते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। और ये टाइम पास जो करने का अभी चल रहा है ना टाइम, ये ठीक नहीं है। आप सोशल मीडिया पे अगर मोबाइल चला, गाना, पिक्चर जो भी आप देखते हो, रील वगैरह देखते हो, तो देखिए नहीं, आप उस पर काम करिए। आप उस पर 2 पैसे आप कमा सकते हैं, आप सोशल मीडिया से पढ़ाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया से अच्छा काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया से किसी का हेल्प कर सकते हैं। किसी का हेल्प करोगे तो उसका वीडियो बनाइए, 2 पैसे आएंगे, तो 1 पैसे उनके लिए खर्चा कर दो, 1 पैसे अपने लिए रख लो, अपने खर्चे के लिए रख लो, या आप पूरे पैसे खर्चा कर सकते हो उनके लिए, आपके विचार के ऊपर। क्योंकि मेहनत लगता है उसमें भी काम करने के लिए भाई पैसा लगता है किसी का। तो आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारी जो राय है, अगर आपको अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं तो इस कान से सुनिएगा, इस कान से निकाल दीजिएगा, है ना। और बाकी हम लोग ऐसे मेहनत करते रहेंगे दोस्तों आप लोग के बीच में। तो बस आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे यहाँ पे देते रहिए, और इनको भी देते रहिए, हमें भी देते रहिए, है ना। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। बाकी आशीर्वाद दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।